यार कबीर भाई, सुबह सुबह कितना बेहतरीन लगता है। सुबह उठ जाओ, फजर की नमाज़ पढ़ो और फिर टहलने मिलने आओ। मतलब देखो मौसम कितना अच्छा है सुबह सुबह का, एकदम ठंडा ठंडा। एक तो नमाज़ पढ़ लो, उसकी खुशी और मज़ा अलग आता है। ऊपर से ये सुबह सुबह इस मौसम में टहल लो तो पूरा दिन भर एकदम तंदुरुस्ती लगा करती है, एकदम अच्छा लगता है पूरा दिन। सही। अरे तहाँ आने के लिए बोला था, आया नहीं। आने के लिए बोला था क्या था? हाँ तो फ़ोन करो उसे, ज़रा रुको यहीं पे, फ़ोन कर लें तब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या फ़ोन करें यार, पड़ा सो रहा होगा। फजर में भी नहीं आया नमाज़ पढ़ने, मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ना नमाज़ पढ़ने आया ना उठा, सो रहा पड़ा होगा तो फ़ोन क्या करें, फ़ायदा क्या है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, हो सकता है घर पे उसने नमाज़ पढ़ ली हो, मस्जिद में नहीं दिखा, तो ऐसे बदगुमान नहीं होते किसी भाई के लिए। बदगुमानी से बचो, किसी भाई के बारे में सोचो तो सही सोचो, क्योंकि हमने देखा नहीं कि उसने कैसा अमल किया, अच्छा या बुरा। हो सकता है कि अच्छा अमल किया हो, फजर की नमाज़ पढ़ चुका हो, घर पे पढ़ा हो उसने, तो इसलिए जब भी हम सोचें अपने भाई के बारे में तो अच्छा गुमान सोचें। सही कह रहे भाई। तो हाँ, उसे फ़ोन लगाओ। अच्छा चलो बुलाते हैं। ये कुछ बेल जाने की बजाय कुछ गाना सा बज रहा है, देखो। हाँ भाई, ये गाना तो बज बज रहा रहा है। है। चलो आने दो उसको, देखते हैं गाना लगा रखा है किसके सुनने के लिए। हाँ भाई, तो आओ जल्दी यार, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, नमाज़ पढ़ने में देर हो गई। ठीक है, आओ, हम लोग यहीं बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। ठीक है, नमाज ही पढ़ रहा तो वो देर हो गई उसको। देखा, सही कह रहे हैं, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना है, सोचना है तो बेहतर ही सोचना है। अरे खुद की सेहत बनाने आ रहे हो या बाइक की, उसके ऊपर चढ़े हुए आ रहे हो पैदल आने के बजाय? हाँ भाई, पहला दिन था तो सोचा बाइक से चल रहे, वैसे भी देर हो रही थी। अब आज बाइक की सेहत बना ले, कल अपनी सेहत बना लेंगे। हाँ, बना लो सेहत, बना लो, क्योंकि डंडे खाने के लिए सेहत का होना ज़रूरी है। वो क्यों भाई, डंडे क्यों खाएंगे? वो तो अभी तुम्हें बड़े हजरत बताएंगे क्यों डंडे खाओगे। कहाँ के कपिल भाई, समझाइए भैया इन्हें। जी कपिल भाई, डंडे क्यों खाएंगे जबकि नमाज भी पढ़ के आए हैं? डंडे खाने वाला काम करोगे तो डंडे ही खाओगे। हमारा सुबह सुबह ऐसा कौन सा काम कर दिया डंडे खाने वाला? अभी तुम पर फ़ोन मिला रहा था फुरकान, तो उस पर गाने बज रहे थे। अम्मा वो तो कॉलर ट्यून है, उससे कौन सी प्रॉब्लम? गाना तो गाना होता है, ख्वा तुम सुनो चाहे कॉलर ट्यून लगाओ। भाई हम थोड़ी सुन रहे थे, वो तो जो सुनेगा उसको गुनाह पड़ेगा ना। वाह बेटा, तुम्हारे तो नियम कानून ही अलग हैं, अपने गुनाह दूसरे के ऊपर मन रहे हो। हम कहाँ मन रहे हैं, सुन तो वही लोग रहे हैं ना। देखो ताहा मेरे भाई, बज़ाहिर ये एक ऐसा अमल है कि जो तुम नहीं कर रहे, मगर तुम्हें ही पड़ रहा ये गुनाह। वो कैसे भाई? जो लोग तुम्हें फ़ोन मिला रहे हैं वो गाना सुनने की नियत से थोड़ी ना मिला रहे हैं, वो फ़ोन मिला रहे हैं और गाना सुनाई देने लग गया उन्हें। चूँकि जो लोग फ़ोन मिला रहे हैं तुम्हें, वो गाना सुनने की नियत से तो फ़ोन मिला नहीं रहे, तो उनको तो गुनाह नहीं पड़ रहा, मगर जितने लोग तुम्हारा गाना सुन रहे हैं उन सबका गुनाह तुम्हें अकेले पड़ रहा है। ये एक ऐसा अमल है जो बज़ाहिर तुम कर तो नहीं रहे हो, मगर ये तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जा रहा है। भाई मैं ऐसे गुनाह समझ ही नहीं रहा था, और अगर समझ भी लेता तो इसे छोटा गुनाह समझता। छोटा समझने से क्या मुराद है, गुनाह छोटा हो या बड़ा, गुनाह तो गुनाह ही होता है और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि छोटा सा गुनाह है तो उसे कर लिया, बड़ा गुनाह है तो बच गए। भाई ज़ख्म तो ज़ख्म होता है, छोटा या बड़ा दर्द तो देगा ही, इसलिए हर स्तर से गुनाह से बचना ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा, इसका ख्याल रखो। और कई बार ऐसा होता है कि हम गुनाह को छोटा समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह होता है, हमें खबर नहीं। जैसे तुम्हें अभी खबर नहीं कि ये जो है गुनाह है कि नहीं, यही नहीं खबर है, तो इसलिए छोटा बड़ा कुछ नहीं, जो काम गलत है वो गलत है, उसे नहीं करने का बिल्कुल। और जो हमारे अपने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि एक बार ज़रूर इस चीज़ को सोचें ज़रूर, कि जो हम कॉलर ट्यून लगा रहे हैं या जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं गाने वगैरह, उससे खुद का क्या फ़ायदा है। एक तो होता है दुनियावी, हमें मज़ा आ रहा है, हम सुन रहे हैं तो दुनियावी लिहाज से हमें मज़ा आ रहा है, गाना सुन रहे हैं, मगर कॉलर ट्यून में स्टेटस पे हम खुद सुन ही नहीं रहे होते हैं, बस लगा दिया दूसरों के सुनने के लिए, और सारा हमारा अमाल ख़त्म हो गया। दूसरे सुन रहे हैं, गुनाह हमारे इससे में लिखा जा रहा है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है।
बहुत ज़रूरी है कि आप इसे एक बार एक मिनट के लिए गौर करके देख लें कि इससे हमारा दुनियावी या दीनी ऐसा कौन सा फ़ायदा है जिसके लिए मैंने ये लगा रखा है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमाल ख़राब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, गुनाह हो रहा है, तो प्लीज़ इसे छोड़ दें, गाने लगाना छोड़ दें स्टेटस पर, कलर ट्यून पर। और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट सही है जो हम छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए से, तो आप भी इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोगों तक ज़बान के ज़रिए नहीं बता सकते, क्योंकि एक दो लोगों से मिलना हुआ, पांच लोगों से मिलना हुआ, लेकिन अगर हम अपने कॉन्टेंट को शेयर करते हैं तो बहुत दूर तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर कोई भी हमारे कहने सुनने से नेक बात पर अमल करने पर आ जाता है तो उसके उस नेक अमल में हमारा भी हिस्सा रहेगा और ये चैन क़यामत तक चलती रहेगी। हम कब्र में चले जाएँगे लेकिन सवाब में हमें हिस्सा मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।